चुनाव का तीसरे चरण के तहत 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद नरहरी अमीन अहमदाबाद में मतदान किए और एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर अमित शाह का निशान दिखाया। इसके बाद नरहरी अमीन ने कहा कि आज गुरुवार की 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सूरत से हमारा एक उम्मीदवार पहले ही जीत चुका है। 2014 और 2019 में हमने सभी 26 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में हमें बड़ी बढ़त मिलेगी। 2019 में हमें सभी सीटों पर जो मिला उससे अधिक हमारा लक्ष्य 5 लाख से अधिक वोटों के साथ सभी सीटें जीतना है।